बिजनौर एसपी प्रभाकर चौधरी ने बिजनौर जिले में तैनात हजारों पुलिस कर्मियों को नए साल का तोहफा दिया है। एसपी प्रभाकर चौधरी ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय से परमिशन लेकर बिजनौर पुलिस लाइन में केंद्रीय कैंटीन खुलवाई है। इस केंद्रीय कैंटीन से पुलिस कर्मियों को बिना टैक्स दिए ही घरेलू सामान उपलब्ध होगा। डीआईजी मुरादाबाद ने इस कैंटीन का उद्घाटन किया है। बिजनौर पुलिस लाइन में केंद्रीय पुलिस कैंटीन का उद्घाटन कर रहे ये है मुरादाबाद के डीआईजी ओमकार सिंह जी। ओमकार सिंह की माने तो जिले के कप्तान प्रभाकर चौधरी की पहल पर भारत सरकार की अनुमति से ये कैंटीन खोली गई है। इस कैंटीन से जिले में तैनात 1800 पुलिस कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। बिजनौर सूबे का पहला जिला है जहां पर गृह मंत्रालय के आदेश पर ये कैंटीन खोली गई है और ये सब कुछ हुआ है जिले के कप्तान प्रभाकर चौधरी की पहल से। इस कैंटीन से घरेलू सामान, कॉस्मेटिक सामान, राशन सामग्री सहित जूते, मोजे और सूटकेस 40% सस्ते मिलेंगे। इस कैंटीन से ओरिजिनल कंपनी का सामान 40% तक सस्ता मुहैया कराया जाएगा। कैंटीन के खुलने से जिले के पुलिस कर्मियों और पुलिस अधिकारी काफी खुश हैं। इस कैंटीन के पहले ग्राहक भी खुद डीआईजी साहब ही बने। डीआईजी ओमकार सिंह ने खुद खरीदारी की। डीआईजी साहब, आज केंद्रीय कैंटीन का उद्घाटन किया है, क्या क्या सामान उसके क्या क्या सुविधा यहाँ पर मिलेगी? ये केंद्रीय जो पुलिस कैंटीन है, ये बेसिकली पुलिस कर्मचारियों को उनकी आवश्यकता की जो भी सामान है उनको सस्ते दर पर उपलब्ध कराने के लिए ये कैंटीन खोली गई है। और ये बहुत अच्छा प्रयास प्रभाकर चौधरी पुलिस अधीक्षक बिजनौर का है और इससे हमारे बिजनौर जिले के सभी पुलिसकर्मी लाभान्वित होंगे, क्योंकि बाजार से इसमें आप खुद देखेंगे काफ़ी सस्ते दर पर, मतलब 15% से लेकर 20-30-40% तक प्रोडक्ट के हिसाब से इसमें छूट है। सभी कर्मचारियों के इसमें कार्ड बनाएंगे और कार्ड के आधार पर सामान। कौन कौन कर्मचारी शामिल होंगे इसमें? क्या केंद्रीय रिजर्व फोर्स के जो रिटायर्ड कर्मचारी, क्या उन्हें भी मिलेगा? नहीं, यहाँ पर तो जो पुलिसकर्मी सर्विस कर रहे हैं वही लोग हॉस्पिटल से लेकर के जो पुलिसकर्मी सेवारत हैं उनको भी। अच्छा, क्या ये यूपी सरकार की पहल है या बिजनौर कप्तान की पहल है? नहीं, ये तो सरकार की ओर से तो कर्मचारियों को हर तरह की सुविधा दी जाए ये निर्देश है, और लेकिन मुख्य रूप से कैंटीन यहाँ स्थापित करने में जो प्रयास है वो बिजनौर का। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।